girls and hot boys. So this is the entertaining jelly and welcome back to my channel everyone, and welcome to the year 2021. So guys, don't forget ki abhi bhi corona hai, wo gaya nahi hai. So stay at home, stay safe and take every precaution. So guys, आज की वीडियो पे बात करते हैं. मैंने एक न्यू अपडेटेड वर्जन बनाया है हमारे एवरीडे लुक का. जैसे कि हम कॉलेज जाते हैं, हम हाई स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं या जॉब वगैरह जाते हैं, तो उसके लिए लुक बहुत ही अफोर्डेबल एंड बहुत ही एक प्रेजेंटेबल लुक देता है. सो अगर आपको अच्छा लगा सो प्लीज वॉच टिल द एंड. एंड ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, अगर आप चाहो तो ऐड और माइनस भी कर सकते हो. सो कीप ऑन वॉचिंग गाइस, बाय. सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर और इसको मैं अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई करूंगी. जैसा कि आप देख सकते हैं, पहले मैंने बहुत ही अच्छे से रब किया मॉइस्चराइजर को और फिर पैट मोशन से मैंने इसे अपनी पूरी फेस और नेक पे लगा दिया है. हम मॉइस्चराइज इसीलिए करते हैं फेस को ताकि मेकअप के बाद हमारी स्किन में ब्रेकआउट्स ना हो जाएं. अब मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ बायोटिक का बायो एलोवेरा सनस्क्रीन. हम सनस्क्रीन इसीलिए लगाते हैं ताकि जो सूरज की किरणें हैं वो हमारी स्किन को हार्म ना कर दे और हमें प्री मेच्योर एजिंग, जैसे कि हमें रिंकल्स आ जाते हैं, हमारी जो स्किन है वो लूज़ होनी स्टार्ट हो जाती है, तो वो ना हो और ये सनबर्न से भी बचाती है. तो अब मैं यूज़ करूँगी मेबेलिन का मास्टर प्राइम प्राइमर. ये वाला प्राइमर फॉर ऑयली स्किन टाइप के लिए है और हम प्राइमर इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हम मेकअप लगाएं तो वो मेकअप हमारे पोर के अंदर एंटर करके हमारी स्किन को हार्म ना कर दे. अब मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन इन द शेड लाइट मीडियम बीज. मैंने कंसीलर को अपने फेस पे डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया है, बल्कि मैंने पहले कंसीलर को अपने हैंड पे लिया है एंड फिर अपनी फिंगर्स की हेल्प से मैंने कंसीलर को ब्लेंड किया है अपनी स्किन पे, जहाँ पर मेरे कंसर्न एरियाज है, जैसे कि डार्क सर्कल्स, मेरे एक्ने स्पॉट्स, जहाँ पर मेरे को रेडनेस फील होती है वहाँ वहाँ पर. सो अब मैं लूँगी वेट एंड वाइल्ड की मेगा ग्लो कॉन्टोरिंग पैलेट एंड उसमें से पहले पाउडर वाला शेड लूँगी एंड अपने पूरे फेस को सेट कर दूँगी. जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही लाइट हैंड से अपने पूरे फेस को सेट कर रही हूँ ताकि वो बहुत ही ज़्यादा केकी और हैवी ना लगे. आपके जहाँ पर ऑयली जोन है वहाँ पर आप अपना पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा लगा सकते हैं, जैसे मैंने अप्लाई किया है. नाउ यूजिंग द सेम पैलेट मैं अपना कॉन्टोरिंग शेड उठाऊंगी एंड उसको अपने चीक बोन्स और हल्का सा फोरहेड और व्हाट डू वी कॉल दैट जॉ लाइन, हाँ हम जॉ लाइन पे भी अप्लाई करेंगे ताकि थोड़ा सा डिफाइंड लुक आ सके. आप चाहो तो आप नोज को भी थोड़ा सा शेप दे सकते हो. नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग लैक्मे आइकॉनिक लैश कर्ल मस्कारा. जैसे आपने देखा कि पहले मैंने मस्कारा का एक्सेस रिमूव कर दिया है एंड अब मैं बहुत ही जेंटली अपने लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ. अब क्योंकि हम ना कोई आई शेडो लगाएंगे, हम ना लाइनर ना काजल, सो अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने लैशेस बहुत ही ज़्यादा हैवी चाहते हो या लाइट. बट अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा लगाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे बहुत ही प्रेजेंटेबल लुक आता है. नाउ टेकिंग दैट मस्कारा अगेन, हम उसकी एक्सेस को रिमूव करेंगे एंड अब हम इसको आईब्रो एनहेंसर के वे में यूज़ करेंगे. सो जैसे हम अपना रेगुलर आईब्रो पेंसिल यूज़ करते हैं फिल करने के लिए एंड ब्रश करने के लिए, हम मस्कारा को भी बिल्कुल उसी वे में यूज़ कर सकते हैं. अब मैं अप्लाई करूँगी इन कलर की लवर्स रूज क्रेयॉन लिपस्टिक एंड इसको मैं डायरेक्टली अपने लिप्स पे अप्लाई नहीं करूँगी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा यू नो क्वांटिटी में लग जाती है. जैसे कि एक क्रेयॉन लिपस्टिक है तो वो बहुत ही ओवर लुक देता है. सो इसीलिए पहले मैंने अपने फिंगर्स पे अप्लाई की एंड देन अपने लिप्स पे अप्लाई करी. अब मैं सेम लिपस्टिक को सेम ही ट्रिक की हेल्प से अपने चीक्स पे भी एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी ताकि ये बहुत ही फ्रेश लुक दे सके. जब हम लिपस्टिक एज अ ब्लश लगा रहे हो तो ध्यान रखें कि ज़्यादा ब्लश ना लग जाए.
सो गाइस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप है हमारा सेटिंग स्प्रे का, और मैंने भी ये स्टेप पूरा किया था बट अनफॉर्चुनेटली क्लिप डिलीट हो गई, सो आई कांट शो दैट टू यू गाइस, बट दिस इज द फाइनल लुक। सो गाइस, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सबको ये शेयर करो क्योंकि ये एवरीडे मेकअप है, सो एवरीवन कैन डू दिस मेकअप एंड ट्राई दिस मेकअप। डोंट फॉरगेट टू कमेंट इट डाउन बिलो कि ये आपको कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ के बारे में देखनी है। टिल देन, लव यू, टेक केयर एंड स्टे सेफ गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री। नाउ बाय, टेक केयर। So guys, this is technically my everyday। अबे आवाज़ तो आ रही है उसमें।